हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सुमी। सो बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, मतलब बहुत दिन से सोच रहा था क्या कंटेंट रखूँ। सो आज जा रहा था कुछ काम से तो सोचा यही एक कंटेंट रख लेता हूँ आज के लिए। सो ये रही मेरी एफजेड, इसकी सर्विसिंग करवानी थी, बहुत दिन हो गए थे सर्विसिंग करवाए। एंड वैसे सब लोग पूछ रहे थे कौन सी बाइक है आपकी, तो बताता हूँ मैं आपको। देख ली मेरी बाइक कैसी है। सो जब मैंने बाइक ली तब ये बाइक ऐसी थी। लेने के बाद में इस बाइक में बहुत कुछ हो चुका है, मैं दिखा दूं आपको क्या क्या हुआ इस बाइक में। देख सकते हो उसका जो पीछे का लाइट था वो टूट चुका है। उसके बाद में इसकी जो ये लाइक यहाँ का जो स्क्रू था, मतलब टैंक के यहाँ का, वो भी टूट चुका है। बाकी बाइक पूरी एकदम मस्त है, बस ऑयल चेंज करवाना है, थोड़ी सर्विसिंग करवानी है बाइक की। सो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा तो आगे आगे क्या। अभी मैं जा रही था, रास्ते में हूँ, आज कोई है नहीं साथ में, सो अकेला हूँ, वरना अदरवाइज सुमी रहती है साथ में फ़ोन पकड़ने के लिए। आज मतलब अकेले कोई बाइक चलानी है और अकेले कोई कैमरा भी पकड़ना है, मतलब है थोड़ा टफ है बट इतना नहीं है। फाइनली अब मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं। सो अभी ये भाई है जो मेरी बाइक सर्विसिंग करके देगी पूरे अच्छे से। दोगे ना भाई सर्विसिंग करके अच्छे से? वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा। हेलो, यूट्यूब चैनल है मेरा। हेलो, सो जहां मैं आया हूं यहां पर 3-4 और सर्विस सेंटर है, लाइक TVS का है, सुजुकी का, हीरो का है, यहीं बाजू में ये सब। मैं आया हूँ यामा के सर्विस सेंटर में आया हुआ हूँ, और उसके बाजू में TVS है, उसके बाद उसके पीछे के साइड में इसका भी है, सुजुकी का और हीरो का। फाइनली इतना सर्विसिंग करवाना है, देखते भी कितना टाइम लगता है यहाँ पर सर्विसिंग में, 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, सो अब मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका था बहुत। सो मैं सोचा क्या करूँ, तब मुझे एक बात याद आई, स्प्राइट पीकर। सीधी बात, नो बकवास एकदम, मतलब आप लोगों के लिए मैंने एक मस्त गेम है, मतलब मेरे लिए भी अच्छा है, मैंने भी अभी मस्त वही खेल रहा था। उस गेम का नाम है टकसाल। मतलब दोस्तों, अगर आपका प्रिडिक्शन लेवल अच्छा है, विनिंग स्किल अच्छी, मतलब आपको लगता है कि आप जीत सकते हो प्रिडिक्शन करके, मतलब अंदाज़ा लगा के, तो ये गेम डाउनलोड करो टकसाल, बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों। यहाँ पर आप पैसे मतलब 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, सीधा 9 गुना डबल कर सकते हो। मतलब अगर समझो आप 10 रुपये लगा रहे हो तो सीधा 90 रुपये जीत सकते हो एकदम ईजिली। और इस गेम के लिए दोस्तों आप लॉगिन अपने फेसबुक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो। और इस गेम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बहुत ही शानदार गेम है दोस्तों। सब मैं भी जा रहा हूँ खेलने और जीतने के लिए बाइक के सर्विसिंग के पैसे निकालने उसमें। चलो भाई चलते हैं। तो ये भाई ने गाड़ी खोली है, अभी कर रहे हैं, इनको भी टाइम लगेगा, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा, बस लाइट चेंज करनी है और थोड़ा बहुत है। वेटिंग रूम में बैठा हूँ और मेरी बाइक सामने वहाँ पर रोड साइड में सर्विस हो रही है। मुझे कुछ लोगों ने बोला मैंने कहा कार ले लो, तो मुझे कार आती नहीं थी, मैंने जस्ट अभी कार सीखी है, कुछ 2-3 दिन हुए। और कार लेने का मैंने एक बार प्लान भी किया था, बट मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता ही, इतना ट्रैफिक रहता है, और यहाँ पर कार लेना मतलब बहुत ही हैवी रिस्क है। मतलब ठोक हो गया ब्रेक्स एंड ऑल में, मतलब कहीं ब्रेक व्रेक लगे नहीं तो प्रॉपरली। सो कार लेने का प्लान फिर मैंने कैंसिल किया, बट डैड ने बोला ले लेते एक कार। सो अभी लूँगा एक कार मैं फाइनली, मतलब डैड बोल रहे ले ले कभी भी लगेगा, मैं चाहिए एक कार, तो सो कार लूँगा। और रही बाइक की बात, तो ये बाइक लिए मुझे कुछ 2 साल हो गए, और तब मैंने ली थी कुछ 1,20,000 में, अभी इस बाइक की प्राइस है 1,37,000। बहुत ही अच्छी बाइक है। सो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये बाइक मत लो, बिकॉज जब मैंने ली थी तब मतलब अच्छी थी, मतलब तब न्यू आई हुई थी एंड बहुत मतलब बोलते हैं ट्रेंडिंग में थी वो बाइक। जब मैंने ली तब आई थिंक लॉन्च हुई थी, और उसके 3-4 दिन बाद ही मैंने ले ली थी ये बाइक। हे फ्रेंड्स, सो सब लोग सोच रहे थे कि मैंने क्यों बोला कि ये बाइक लेना नहीं चाहिए एंड लाइक, क्योंकि दोस्तों जब मैंने बाइक ली तो मैंने बताया आपको क्यों ली, तब ट्रेंडिंग में थी।
ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पता है अपन हमें लगता है बाइक ले ली हो गया बाइक लेने से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाइक ले तो लेते हम, पर बाइक लेने के बाद में जो बाइक के खर्चे रहते हैं छोटे छोटे, हम खर्चे सोचते छोटे जाते हैं, अगर हम उसका टोटल बहुत खर्च हो, इवन हम सर्विसिंग करवाते हैं तो भी 3-4 हज़ार रुपये चले जाते हैं एक सर्विसिंग में। एंड मैंने इसकी सर्विसिंग 3-4 बार कराई तो कुछ 4-4 हज़ार मेरे चले गए हर एक सर्विस में। और प्लस इस बाइक का जो मेन इशू है यामा के, इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है ऊपर की जो फाइबर बॉडी रहती है, अगर स्टील बॉडी रहे तो कोई इशू नहीं है, फाइबर बॉडी कैसे अगर थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो डैमेज हो गया, बाइक थोड़ी भी नीचे गई तो लॉस हो गया सीधा, मतलब एक साथ डायरेक्टली 6-7 हज़ार का खर्चा आ ही जाता है। सो आई विल सजेस्ट कि ये बाइक नहीं ले कोई भी, लेनी है तो दूसरी बहुत सारी बाइक है, इवन KTM भी हो गई, KTM भी मत लो, लेनी है तो हम ड्यूक ले सकते हो आप, ड्यूक में लाइक कैसे मेटल बॉडी रहते हैं, KTM में भी कैसे साइड में पूरा फाइबर बॉडी है वो भी ले, इवन मैं खुद सोचा अभी ये बाइक बेच के बुलेट लेने का, सबसे बेस्ट बाइक है। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है सर्विस में, फिर घर भी जाना है मेरे को। सो फाइनली बाइक सर्विस हो चुकी है, देखते हैं क्या क्या सर्विस हुआ है। तो इन्होंने वॉश किए गाड़ी, न्यू साइड लाइट लगा दी है, सब प्रॉपर वॉश्ड है। सो मैंने आगे का मड़गार्ड निकलवा दिया बिकॉज यहाँ पर जय माझी सा लिखा हुआ था, मुझे ये बताना था, मोस्टली सब लोग मुझे पूछ रहे थे विकास भाई आपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाया, बीचों इसके वो मड़गार्ड भी टूट गए थे, सो मैंने सोचा पूरा आगे का फिर निकाल ही देता हूँ। और इसका जो ऑयल चेंज था, ऑयल चेंज किया इन लोग ने यहाँ का पूरा सॉकअप्स का, सो समथिंग अराउंड मुझे 4000 का हुआ मतलब खर्चा इसका सर्विसिंग का। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। यामाहा।